हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। माय नेम इज़ अनिकेत कदम एंड इन दिस सीरीज आई एम स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट इन विच यू कैन यूज़ दिस पॉडकास्ट एनी वेयर यूजिंग यूर हेडफोन्स। यू कैन रिवाइज द चैप्टर्स। आई विल कवर अप द स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स, स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द रिविजन पर्पज। सो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट SA 200, दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। सो इट इज अ सिंपल एसे इन विच यू हैव टू लर्न अराउंड 4 to 5 थिंग्स थरोली। ओके, द फर्स्ट थिंग इज दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर इज टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error. usse kya hoga, usse hoga thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. So we have to keep in mind that the objective, the basic, the primary objective of the independent auditor is to see that whether the financial statement are free from material misstatement. The material misstatement can be due to the fraud or due to the error. Usse hoga the auditor will be unable to express his opinion on the financial statement. कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है एंड दे आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो है हमें रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हमें रिपोर्ट करना है एज एन ऑडिटर एंड हमें कम्युनिकेट करना है उस रिपोर्ट में कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बनाए गए या नहीं, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, जो ऑडिटिंग के समय हमें कुछ चीज़ें ध्यान में आई होगी, ऑडिटर्स फाइंडिंग्स जिसे हम बोलते हैं, वो हमें रिपोर्ट करना है हमारे ऑडिटर्स रिपोर्ट में, और उसे इस तरह रिपोर्ट करना है जिस तरह से उसे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में बताया गया है। कुछ एसेज हमें रिपोर्टिंग एसेज होते हैं, वो हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे ऑडिटर्स फाइंडिंग आपके पास आए होंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें आपको ध्यान में आए होंगे ऑडिट करते समय, तो आपको वो इस तरह से बताने होंगे। तो मैं आपको वो लाइन पढ़ के बताता हूँ, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसेस इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड बाय ऑडिटर वाइल परफॉर्मिंग ऑडिट। ऑडिट करते वक्त ऑडिटर ने कौन से एस्पेक्ट्स कंसिडर करने चाहिए, तो आपने 5 एस्पेक्ट्स कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहले एथिकल रिक्वायरमेंट्स, सेकेंड इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, थर्ड इज प्रोफेशनल जजमेंट, फोर्थ इज सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, फिफ्थ इज कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, तो हम एक एक करके उसे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में हमें, मैं आपको हिंदी में पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में वी विल रीड द लाइन्स। ओके, तो सबसे पहले है कि आपको जो ICAI ने कोड ऑफ एथिक्स इशू किए गए हैं इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, आपको वो फॉलो करने हैं। ICAI ने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बोले हैं CA को, एक ऑडिटर को, वो आपको फॉलो करने हैं, जैसे कि इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सब आपको फॉलो करना होगा। इंडिपेंडेंस सिर्फ दिमाग से नहीं, बट ओवरऑल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी होता है। सो वी विल लर्न द सेंटेंसेज दैट आर रिटन इन इंग्लिश, कंप्राइज द कोड ऑफ एथिक्स दैट आर इशूड बाई द ICAI इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस। उसके बाद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। उसके बाद इंडिपेंडेंस कंप्राइजेस बोथ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। After that, you have to learn about professional skepticism. So, what do you mean by professional skepticism? So, professional skepticism is an attitude of a person. Sir, attitude of a person? Yes, attitude of a person of being alert and being questioning mind. Sir, kis cheezon ko questioning mind ke tahat dekhna hai? To which things we have to be alert? We have to be alert to each and everything
where there is a possibility of misstatement due to fraud and error. ठीक है, कोई भी हम ऑडिट कर रहे, वी आर असेसिंग समथिंग, वी आर असेसिंग ऑडिट एविडेंस, सो वी हैव टू बी अलर्ट एंड वी हैव टू बी क्वेश्चनिंग माइंड. कभी भी कहाँ पे भी कोई डाउट आपको आता है या एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, यू कैन आस्क टू द मैनेजमेंट, टू दोज चार्ज विद द गवर्नेंस. सो दिस इज द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एटीट्यूड. सो वी विल जस्ट रीड दैट सेंटेंस. एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, बींग अलर्ट टू द कंडीशन विच मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड, एंड अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस. सो हैव यू अंडरस्टूड? ओके सर. सो कैन यू टेल मी द कंडीशन वेयर आई हैव टू बी अलर्ट और आई हैव टू रेज क्वेश्चंस? यस, आई कैन टेल यू सम कंडीशंस. देर आर फाइव कंडीशंस, देर आर सॉरी फोर कंडीशन. यू कैन राइट इट इन एग्जाम इफ द क्वेश्चन केम कम्स इन एग्जाम, और देर कैन बी एन एम सी क्यू रिगार्डिंग सच सिचुएशंस. ओके, अलर्टनेस इज रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस. सेकेंड, रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स. कंडीशन इंडिकेटिंग पॉसिबल फ्रॉड्स. और फोर्थ, सर्कमस्टांसिस रिक्वायरिंग ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन टू दोज सजेस्टेड इन स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट एस्पेक्ट टू बी कंसिडर्ड वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट, इज प्रोफेशनल जजमेंट. सर, प्रोफेशनल जजमेंट मीन्स वॉट? प्रोफेशनल जजमेंट मीन्स यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज, द ट्रेनिंग दैट यू हैव टेकन एंड द एक्सपीरियंस दैट यू हैव टेकन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स टू टेक द इन्फॉर्म डिसीजन्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शंस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट. वेन यू आर डूइंग ऑडिट, यू हैव टू यूज योर ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल थिंग्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स, एंड टेक द इन्फॉर्म डिसीजन्स. ठीक है, दैट इज प्रोफेशनल जजमेंट. सो इट इज रिक्वायर्ड वेन मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इवेल्युएटिंग द सफिशियंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट जजमेंट इन अप्लाइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस. ठीक है, नेक्स्ट इज वॉट इज सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. ठीक है, वी हैव सीन दैट एथिकल रिक्वायरमेंट इज एन एस्पेक्ट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज एन एस्पेक्ट, एंड ऑल्सो कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. सो वॉट इज सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? सफिशियंसी इज द इंडिकेटर ऑफ क्वांटम एंड अप्रोप्रिएटनेस इज एन इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी. ओके, पर्पज ऑफ सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू अप्रोप्रिएटली लो लेवल, एक्सेप्टेबली लो लेवल, सो दैट द ऑडिटर कैन फॉर्म एन कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर्म एन ओपिनियन बेस्ड ऑन द ऑडिटर्स फाइंडिंग. सर, वॉट डू यू मीन बाय ऑडिटर्स रिस्क? ऑडिटर रिस्क इज दैट रिस्क वेन द ऑडिटर एक्सप्रेस एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन वेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड. ओके, सो नेक्स्ट, ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क. नेक्स्ट, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इज वन ऑफ द एस्पेक्ट दैट इज टू बी कंसिडर्ड बाय ऑडिटर वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट. ठीक है, द ऑडिटर हैज टू सी दैट द ऑडिट हैज कंप्लाइड विद ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. ओके, द कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हैज बीन रिपोर्टेड इन द रिपोर्ट ओनली इफ इट हैज बीन कंप्लाइड. हवे में नहीं हमें रिपोर्ट में बताना है, आपने अगर कंप्लाई किया है तो ही बताओ, नहीं तो मत बताओ. द टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट एंड यूज द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन द इंडिविजुअल एसेज. इन केस द एंटायर एसे इज नॉट रिलेवेंट ड्यू टू द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रिस्क्राइब कंडीशन, कंप्लाई विद द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स. इन द केस ऑफ फेलियर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड द नीड ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन और विड्रॉवल. उसके बाद अदर एक्सप्लेनेशंस कुछ आपको देखने हैं. स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है? स्कोप ऑफ ऑडिट जैसे हमने पहले पढ़ा था कि टू डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. सेकेंड, द ऑडिटर्स ओपिनियन डज नॉट अश्योर द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटिटी नॉर द एफिशियंसी और इफेक्टिवनेस विथ विच द मैनेजमेंट हैज कंडक्टेड द अफेयर्स. प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद द गवर्नेंस. Duty of management also includes to make accounting estimates and selection of application of appropriate accounting policies. Okay.
इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं कुछ ऑडिट के, वो क्या होते हैं? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व जजमेंट बाय मैनेजमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस. नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑब्टेनिंग रीजनेबल अश्योरेंस. बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट. यूजर एक्सपेक्टेशंस टू गेट ऑडिट रिपोर्ट विद इन अ रीजनेबल पीरियड एंड एट अ रीजनेबल कॉस्ट. ऐसा कैसे चलेगा भैया? आपको टाइम में भी चाहिए और आपको कम पैसों में भी चाहिए. तो दिस इज द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट. अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए एंड शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ. सो आई विल गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर सच पॉडकास्ट विद द सिंप्लीफाइड लैंग्वेज सो दैट यू कैन गेट अंडरस्टूड सच स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. थैंक यू सो मच. कीप लविंग एंड कीप स्माइलिंग.